आई होप यू डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों को 5 बेनिफिट्स बताऊंगी लैंग लैंग ऑयल के। लैंग लैंग ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल है और वो एक एसेंशियल ऑयल है और वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। तो ये है लैंग लैंग ऑयल, आप इसको अमेज़न या फिर नायका से मंगा सकते हैं। मैंने इसे अमेज़न से मंगाया था और ये है वाव ब्रांड का। मस्त मदन कहते हैं, इसके और भी नाम है जो कि मैंने लिख के रखे हैं। एक और नाम हिंदी में इसका है बन चंपक, संस्कृत में वना चंपका, लांची तमिल में कट्टू चंपकम और तेलुगु में अपूर्वा चंपकम में कहते हैं। तो ये इसके नाम है और ये कुछ येलो कलर का दिखता है। आप यहाँ इसका फोटो देख सकते हैं कि किस कलर का है। जो फ्लावर है वो हमें रेन फॉरेस्ट के सर्टेन लाइक एशियन पार्ट्स में हमको मिलता है, जो कि साउथ पैसिफिक आइलैंड और आपको इंडोनेशिया में मिलेगा, जावा में मिलेगा, पॉलिनेशिया में मिलेगा, ऐसी जगह पे आपको ये लैंग लैंग फ्लावर मिलेगा। फिलीपींस में मिलेगा और इंडिया में भी मिलता है। तो ये जो फ्लावर है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रेश फ्लावर को, इसका जो वाटर है, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करके लैंग लैंग ऑयल बनाया जाता है। और ये लैंग लैंग ऑयल स्पेशली हेयर के लिए तो बहुत बेस्ट है। इसके स्किन बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं जिसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट फिलहाल मुझे हेयर बेनिफिट्स आपके लिए बनाना था। हेयर में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, तो वो बनाना था। तो हेयर के लिए तो वंडरफुली वर्क करता है। लैंग लैंग ऑयल जो है वो बेसिकली मेडिसिनल यूजेस में ज्यादा है, वो स्ट्रेस रिलीफ और कामिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें और बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये परफ्यूम में भी डाला जाता है और क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसका फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छा और बहुत माइल्ड है। तो आप उसको उसमें भी यूज तो वो लोग उसमें भी यूज करते हैं। लैंग लैंग ऑयल में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो है कामिंग के और स्ट्रेस रिलीविंग और रिलैक्सेशन। लगाने के बाद लिटरली बालों में आपको एक हल्का सा टिंगलिंग से इफेक्ट फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है और काफी रिलैक्स्ड फील होता है। आई जस्ट लव टू पुट दिस ऑयल, मेरे कोई भी ऑयल में इसके 2 ड्रॉप डाल के यूज करना मुझे बहुत पसंद है एंड इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैं आपको टोटल इसके 5 बेनिफिट्स आज बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसके बेनिफिट्स। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी बॉटल लेना है, एलोवेरा जेल लेना है और लैंग लैंग ऑयल लेना है। देन बॉटल में सबसे पहले आप एलोवेरा जेल लेंगे। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, आधा स्पून, और आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। यहाँ मैं पतंजलि का ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी निकाल के यूज कर सकते हैं लीव में से। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद लैंग लैंग ऑयल की, और इसे मैं फिलअप कर रही हूँ पानी से। बस इसे एक अच्छा सा शेक देना है। मिक्स करने के बाद ये रेडी है आपके बालों पे लगाने के लिए। ये आपके बालों पे एज अ परफ्यूम एक्ट करेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू देगा आपको बालों को, और एक अच्छा सा टेक्सचर भी देगा, और जो फ्रिजीनेस आपके बालों में होती है वो भी इसे रिमूव कर देगा। तो फ्रिजी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप नहाने के बाद इसे अपने बालों पे स्प्रे कर सकते हैं और आपके दिन भर जो बाल है वो अच्छे बाउंसी और शाइनी और अच्छे लगेंगे और उनमें से दिन भर फ्रेग्रेंस आते रहेगी। आप बेसिकली इसको मेजरली स्कैल्प की तरफ ज़्यादा लगाइए, सो दैट आपका जो स्कैल्प है उसमें अच्छी सी खुशबू आते रहे हमेशा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे बाल लग रहे हैं एंड बहुत ईजिली कॉम्ब हो जाते हैं। एंड फोकस ऑन योर स्कैल्प, वो शूट नहीं दिखा पाई मैं आपको, लेकिन मैंने स्कैल्प पे इसे अच्छे से स्प्रे किया। स्कैल्प पे स्प्रे करने के बाद काफ़ी ठंडा लगता है। सेकेंड है हेयर स्प्रिट्स टॉनिक। आप इसका बहुत ही अच्छा टॉनिक बना सकते हैं अपने बालों के लिए। तो आपको एक एम्प्टी बॉटल लेना है, उसमें वार्म वाटर डालना है और 2 से 3 ड्रॉप आपको लैंग लैंग ऑयल की डालना है। आप 4 से 5 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। उसे बस अच्छा से एक शेक देना है और ये आपका जो हेयर स्प्रिट्स टॉनिक है वो रेडी हो जाएगा। और इससे आपके बाल सिल्की और शाइनी भी लगेंगे। तो ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये इससे बाल आपके बहुत सिल्की और शाइनी और एकदम बालों में जैसे जान आ गई हो उस टाइप का दिखेगा। बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे, बेजान नहीं लगेंगे एंड स्प्लिट एंड्स भी नहीं दिखेंगे। ये इतने अच्छे से वर्क करता है आपके बालों पे। मैं इसे रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ एंड फाइनली मैं आपको इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक एक बाल अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। और यस, ये है हमारा स्प्रिट्स टॉनिक।
थर्ड बेनिफिट है, इट रिपेल्स हेट लीस लीक जो भी कहते हो, तो ये हमारे जो जुए होते हैं बेसिकली उनको आने से रोकता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको एक बाउल लेना है, उसमें आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ये मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। और फिर आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, वो एक स्पून डालना है इसमें, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लैंग लैंग ऑयल डालना है, और इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है और एक बॉटल में स्टोर करके रखना है। इससे क्या होगा ना, जो ऑयल है वो पेनिट्रेट होगा आपके हेयर के शाफ्ट्स में और फॉलिकल्स में, और इससे जो भी लीक है वो जो भी फर्दर एग्स देगी वो अटैचमेंट फर्दर एग्स को देने से रोकेगा और बालों से उसे दूर रखेगा। तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आप जुओं से बहुत परेशान हैं तो ये मेथड आप ट्राई करके देखिए, ये वर्क करेगा। और जो फोर्थ और फिफ्थ यूज है वो है एंटी हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ का। तो आपको एक एम्प्टी बाउल लेना है और उसमें आप लोगे ये कैस्टर ऑयल और रोजमेरी का मिक्स, ये है सोलफ्लावर का कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर रोजमेरी ऑयल। आपको यही ऑयल लेना है क्योंकि मैं यही ऑयल यूज करते आ रही हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो आप इसी ऑयल को लीजिए, ये आपको अमेजन से मिल जाएगा, मैंने इसे अमेजन से ही मंगाया है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसी ऑयल को यूज करें। मैं इसका जो लिंक है अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप उसको वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इसमें हम मिलाएंगे एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं पतंजलि का ले रही हूँ क्योंकि पतंजलि का एलमंड ऑयल मुझे काफी हद तक सूट करता है, तो मैं ये ब्रांड का ले रही हूँ। आप बाकी कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद उसमें आप मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, आप ये भी कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। और फिर इसमें कुछ ड्रॉप्स जाएंगे लैंग लैंग ऑयल के, जो कि आज का हमारा सुपर हीरो है, हीरोइन है। तो इसे हम डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे आप एक बॉटल में स्टोर करके रख देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी बॉटल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे लगाना है। तो आप लैंग लैंग ऑयल को बेसिकली रूट्स और स्कैल्प में कॉन्सेंट्रेट करके लगाएंगे। आपको डीप हैवी ऑयलिंग इसके साथ नहीं करनी है, आपको कुछ पूरे बालों में बहुत ज्यादा से भर भर के तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेक श्योर करें कि ये प्रॉपरली आपके रूट्स और स्कैल्प पे लगे। जो ये ऑयल होता है इट इज यूज एज एरोमाथेरेपी और टू रिलीव स्ट्रेस and relax an individual. The oil's calming fragrance has a euphoric effect on the nerves system and reduce anxiety, tension, fear, etc. तो ये बहुत ज्यादा काम करता है आपके दिमाग को, जो हम दिन भर दौड़ाते रहते हैं यहाँ वहाँ, उसको शांत करता है और काफी अच्छे से रिलैक्स कर देता है। और आप मेक श्योर करें कि आप हेयर को फ्लिप करके उसको अच्छे तरीके से वहां पे नीचे की साइड में लगाएं और अच्छे से मसाज करें। जब हमारे स्कैल्प में सीबम का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है तो हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई इची हो जाती है और उससे हमारे बाल काफी पतले और ब्रिटल हो जाते हैं और फिर हमको डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। तो लैंग लैंग ऑयल जो है वो स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है और हेयर फॉल स्टॉप करता है, नए हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैमेज को रिड्यूस करता है और स्कैल्प को काफी अच्छा बनाता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और आप जब भी आप इसको लगाओगे ना, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। मैं इसे मेजरली नाइट टाइम में लगाती हूँ सो दैट होल नाइट मेरा जो दिमाग है वो शांत रहे और इससे बहुत अच्छी प्यारी नींद भी आती है। तो ये बस अब मैं लगा के सो जाती हूँ एंड नेक्स्ट डे आई वॉश माई हेयर। मैं नॉर्मल अपना जो भी डेली शैम्पू यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे वो मैं यूज करके अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। और ये इसे निकालना बहुत इजी है और बस आप अपने हेयर को अच्छे तरीके से टाई कर लीजिए सो दैट बाल रात को या जो भी हो यहाँ वहाँ ना गिरे। आप ऑयलिंग करने के बाद उसको टाइट अच्छे से फोल्ड करके बांध दीजिए बालों को, तो इससे काफी अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है और हेयर बढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना था और मैंने ट्राई भी किया है। तो टाइट बांध दीजिए। तो फाइनली गाइस इस तरीके से मैंने ऑयल लगा लिया है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा जरूर। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको 5 वे में यूज कर सकते हैं बालों के लिए।
स्किन के लिए भी मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ क्योंकि स्किन में भी ये काफी बेनिफिट्स देता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल वीडियो है। लाइक बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाएगा कि लैंग लाइन एग्जैक्टली है क्या और उसके कितने सारे और अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारे हेयर के लिए। तो प्लीज गाइज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और टिंग घंटी पे प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हर बार। और अगर आपके पास और कोई वीडियो रिक्वेस्ट है मेरे लिए तो प्लीज जल्दी से उसको लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक।